हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉन्ग टर्म शेयर सेल्टियस में। आज देखिए, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं ऐसे कि सर हमें कोई ऐसी कंपनी बताइए जो हम लंबे समय तक होल्ड कर सके और हम करोड़पति बन जाएं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स हैं, मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हैं, कभी मैं उन पर जवाब दूंगा। परंतु मैं जो समय समय पर आपको कंपनियाँ बताता रहता हूँ, देखिए ये कंपनियाँ ना तो मेरी हैं और ना ही मैं इनका मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ और ना ही मैं इनके अंदर घुसा हूँ ताकि मुझे बखूबी मालूम पड़े। सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं, जो कंपनियाँ ये रिपोर्ट करती हैं सेबी को या अपनी वेबसाइट पे कि इनका क्या फाइनेंशियल रहा, किस प्रकार से इन्होंने प्रॉफिट कमाया, किस प्रकार से इनके ब्रांचेस बढ़े हैं, किस प्रकार से इनका रेवेन्यू रहा, वही सारी चीज़ें देख के हम इन पर आँख मूंद के भरोसा करते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर जो फंड हाउसेस इन पर निवेश करते हैं, उसी तरीके से मैं भी जो है अनुमान लगा के इन कंपनियों को आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने मुझसे रिकमेंडेशंस ली और मैंने किसी कंपनी के बारे में आपको बखूबी बताया, तो या तो मैंने बताया उसके पास्ट के परफॉर्मेंस को देखते हुए या फिर उसमें कुछ ऐसा पोटेंशियल देखा कि कंपनी किस प्रकार का, या उसके मैं स्वयं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होऊंगा तो बताता हूँ। तो इसी तरीके से एक कंपनी में जो मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है वो है आवास फाइनेंशियर्स। देखिए, बहुत सारे लोग इसकी तुलना करते हैं बजाज फाइनेंस से। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि बजाज फाइनेंस का जो बिज़नेस मॉडल मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ और आगे अभी भी बता रहा हूँ कि उसका डिफरेंट है। वो भी NBFC है, ये भी NBFC। आवास फाइनेंशियर्स टोटली जो है हाउसिंग फाइनेंस, मॉर्गेज लोन या फिर अन्य जो है SMEs को जो है लोन प्रोवाइड करती है, बट बजाज का जो रिटेल में अलग तरीके का अपना स्टाइल है वो आप समझ नहीं रहे। आप जैसे कि वो किसी को भी लोन देती है, आपको एक मोबाइल लोन दे दिया, आपको लैपटॉप लोन भी दे देगी, आपको पर्सनल लोन भी दे देगी, आपको जो बाइक लोन भी दे देगी, आपको तमाम प्रकार के ऑफर सामने से अनसिक्योर लोन प्रोवाइड कर देती है भर भर के। मतलब एक ही कस्टमर उसके चार कस्टमर्स के बराबर बन जाते हैं, तो उसकी जो लोन बुक है बड़ी हो जाती है, मतलब रिपीट कस्टमर्स ज़्यादा हो जाते हैं। आइए हम आवास फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। देखिए, जो यहाँ पर रैंकिंग है, जो पहले नंबर पर रैंकिंग की गई है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, फर्स्ट रैंक यानी कि HDFC। HDFC की मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी है और HDFC जो है बहुत पुरानी है। आप समझिए कि वो बहुत सारी ऐसी कंपनियों की पेरेंट्स कंपनी, जैसे HDFC बैंक हो गई, HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गई, इस तरीके की वो पेरेंट कंपनी भी है, तो इस वजह से वो बहुत विशाल है। दूसरे नंबर पे जो आ रही LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस भी बहुत बड़ी कंपनी है और सेकेंड रैंक यहाँ पर दी गई। तीसरे नंबर पर जो पोजिशन यहाँ पर दी गई है वो है आवास फाइनेंशियर्स, जिस प्रकार से अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। हाँ, बजाज फाइनेंस भले डिफरेंट हो लेकिन अभी ये मिड कैप की कंपनी है, बजाज फाइनेंस लार्ज कैप कंपनी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम तुलना नहीं कर सकते। लेकिन आवास फाइनेंशियर्स को भी बजाज फाइनेंस से कम ना समझें। उसी के अगर पीछे उसका अगर 50% भी हो गई ना, जो इस समय उसके बजाज फाइनेंस की मार्केट कैप है, तो भी समझिए कि जो इसमें निवेशित रहेंगे वो माला माल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। आवास फाइनेंशियर्स, यहाँ मैं टिकर टेप की वेबसाइट पे इसका जो है स्टॉक प्राइस देख रहा हूँ और कुछ चीज़ें भी आपको इसी से बताऊँगा। टिकर टेप एक ऐसी वेबसाइट है, अगर बहुत समय से मुझसे पूछते रहते हैं लोग कि सर आप किस साइट से आप सारी डिटेल्स देखते हैं। देखिए, साइट्स तो बहुत सारी हैं पर टिकर टेप एक कम्प्लीट, समझिए कि एक सोल्यूशन है। आप किसी स्टॉक, किसी कंपनी के बारे में, फंडामेंटल के बारे में जानना चाहते हैं, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में भी ज्ञान नहीं है क्या है, तो इनका ट्यूटोरियल भी नीचे है, उससे भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे लर्निंग है, लर्न है ना, तो सारा कुछ आप इससे जान सकते हैं, खाली समय में आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो कुछ सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। 15,110 करोड़ की जो है मार्केट कैपिटल है एक मिड कैप कंपनी हाउसिंग फाइनेंस की। 1915 रुपये स्टॉक प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है, मार्केट खुली हुई है करीब 11 बजे फ्राइडे को। इसकी लिस्टिंग अक्टूबर 18 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से अगर आप देखेंगे तो रिटर्न जो है 148% के रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, भयानक गिरावट हुई थी, सारी कंपनियों की गिरावट हुई थी NBFC की मार्च में, फिर ये बाउंस बैक किया अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो लो गया था 612 का और हाई बना चुका है 2117 का, और हाई से नीचे है और लो से बहुत ऊपर है। अगर हम यहाँ पे टिकर टेप की साइट पे देखें जो इसकी इंट्रेंसिंग वैल्यू है, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, यानी कि जो इसकी फेयर वैल्यू है उससे ऊपर स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी में जितना पोटेंशियल है इसको लोग किसी भी दाम पे ख़रीदने को तैयार है। हम अभी FIIs की स्थिति देखेंगे आगे। रिटर्न वर्सेस FD, रिटर्न शानदार दिए हैं, फिक्स डिपॉजिट तो मामूली से रिटर्न मिलते हैं।
एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां डिविडेंड थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगी, क्योंकि अभी ये अपने आप को एक्सपैंड कर रही हैं, एक्सपेंशन में सारा पैसा लगा रही हैं, जो भी आता है तो डिविडेंड संभवतः हो सकता है आगे दे, परंतु अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, वो भी हम देख लेंगे कितना है इसका RSI वगैरह। नो रेड फ्लैग्स, किसी प्रकार का कोई ASM GSM लिस्ट में इसका नाम नहीं है, या फिर कोई बहुत सारे या फिर शेयर्स वगैरह कोई गिरवी नहीं रखे हुए हैं, या किसी प्रकार के डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी नहीं दिखी, यानी कि मैनेजमेंट वाइज कंपनी कमाल के। और नीचे आते हैं हम यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे जो है फोरकास्ट एंड रेटिंग्स, इसमें करीब अगर हम देखें डिटेल्ड फोरकास्ट में तो 6 एनालिस्ट ने यहाँ पे जो है अपने सुझाव दिए हैं और 50% उनका मत है कि इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। यदि हम वर्ष दर वर्ष कुछ इनके फाइनेंशियल्स देखें, मान लीजिए रेवेन्यू और प्रॉफिट देखते हैं, ये करोड्स में है संख्याएं आप देख सकते हैं, बट मैं आपको परसेंटेज वाइज बता देता हूं। देखिए 2016-17 में पिछले वर्ष पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले देखा जाए तो 60% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में 74% की ग्रोथ है। 17-18 में अगेन जो है 61.86% ग्रोथ है, प्रॉफिट में 62% से ज़्यादा की ग्रोथ है। 2018-19 में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में रेवेन्यू में 43% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में 89% की ग्रोथ है। 19-20 में देखें तो 27% की ग्रोथ है रेवेन्यू में और प्रॉफिट में करीब 41% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई दे रही। तो आपने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे साल दर साल रेवेन्यू भी कमाल का बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट भी कमाल का निकल रहा है। अब देखिए 250 करोड़ के आसपास जो है तो 2020 में इन्होंने रिपोर्ट किया। अगर हम टिकट टेप की साइट पे यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखते हैं तो आप चाहें तो भी विजिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2014-15-16-17-18-19 ईयर ऑन ईयर टोटल रेवेन्यू देखिए लगातार ग्रोथ है और प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, EBITDA भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप भी अपने हिसाब से इनके जो नंबर्स वगैरह देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट, अब चूँकि ऑफकोर्स ये कंपनियाँ NBFC की हैं, पैसा लेके ही पैसा देती हैं तो कर्जा तो रहता ही है, तो इसमें हमें देखना चाहिए कि ROA क्या है, रिटर्न ऑन एसेट कैसा है, वो देखना चाहिए। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो 50% के आसपास की बची हुई है, 50.15, और म्यूचुअल फंड से इसमें 4.02%, अदर DIIs में अगर 10% के आसपास है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस देखते हैं तो 27.95% है और रिटेल हम आप जैसे लोग 10% से ज़्यादा के हैं। जो प्रमोटर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा इसमें निवेशित है वो है विदेशी निवेशक या विदेशी संस्थान के निवेशक हैं, वो हैं करीब 28% के आसपास, जो कि ये दर्शाता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस का या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त विश्वास है इस कंपनी पे। प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं। देखिए प्रमोटर्स ने जून क्वार्टर में थी इनकी 53.45% की होल्डिंग, घटा के सीधे कर दी है 50.15%, तो ये पैसे रेज कर रहे हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे देखते हैं इनका कामकाज कैसा चलता है। इन्होंने आवास अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है ताकि जो है आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए आवास इज प्राइमरी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू कस्टमर्स बिलोंगिंग टू लो एंड मिडिल क्लास सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़, यानी कि वो छोटे छोटे शहर जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बारे में भी बताया था, तो उसमें क्या होता है कि जिनके पास जो सैलरीड नहीं है, जो शॉप्स चलाते हैं, जिनके पास IT रिटर्न्स वगैरह प्रॉपरली नहीं होते हैं, उनको ये लोन देती है, उन पर भरोसा करती है, मतलब रिटेल का कारोबार है और छोटे व्यवसायियों को भी लोन देती है। तो इस तरीके से है, अगर हम देखें टॉप क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अबव पॉवर्टी लाइन, तो ये डार्क में है ना, तो इनका ज़्यादा टारगेट है जो ब्लू डार्क में है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अबव पॉवर्टी लाइन, तो इन लोगों को ज़्यादा फोकस है, बाकी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स स्मॉल बिजनेसमैन सबको देते हैं। इसमें करीब 11 राज्यों में नेमली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, इन सारी जगहों पे इनके जो है ब्रांचेस वगैरह हैं, वहाँ ये लोन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स वगैरह हैं। और इन्होंने मैन पावर में बताया कि द कंपनी हैज़ अ टीम ऑफ डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स इंक्लूडिंग हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटेरियट्स, MBAs एक्सेट्रा, तो बढ़िया टीम है इनकी। देखिए इसका जो RSI है अभी मिड रेंज में चल रहा है, 63 है,
अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत सारी कंपनियों के बारे में बताता रहता हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप सारी कंपनियाँ ले लेंगे। हालांकि एक सब्सक्राइबर ने मुझ पर कमेंट भी किया था कि सर आप इतनी कंपनियाँ बताते हैं, कौन कौन सी लें कौन कौन सी ना लें, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मेरे बताने का सिर्फ मकसद यही है कि जिनके पास हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ना हो, मान लीजिए HDFC जो दिग्गज है, जिसके पास वो है, हालांकि वो इससे वैल्यूएशन वाइज सस्ती मिल रही है, HDFC वैल्यूएशन वाइज इससे सस्ती मिल रही है, या फिर कैनफिन होम हो गई, इससे सस्ती मिल रही है। लेकिन हमें देखना है कि न्यूली लिस्टेड कंपनी कौन है और किसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, किसकी सेल्स ग्रोथ है कितनी है, किसकी प्रॉफिट ग्रोथ कितना कमाल का निकला है, वो सारी चीज़ें भी देखना बहुत आवश्यक है। और किस पे इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा भरोसा है, किसका मैनेजमेंट अच्छा है, ये सारी चीज़ें भी काउंट होती हैं, मैटर करती हैं। रिटर्न ऑन एसेट अगर देखते हैं परसेंट वाइज 3.75 का है। अगर हम इसकी इनकम ग्रोथ देखते हैं 5 वर्षों की 54% के आसपास है, लास्ट ईयर की 27% के आसपास की रही, 3 वर्षों की 43% से ज़्यादा की रही। प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो पाँच वर्षों की 67% ज़्यादा की रही है, 3 वर्षों की 63% ज़्यादा की रही है, 1 साल में 41% ज़्यादा की रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं तो 14% ज़्यादा की रही है 5 वर्षों की, लास्ट ईयर की रही 12% से ज़्यादा की रही है। तो इस तरीके की जो इसकी ग्रोथ है कमाल की है। तो इसमें लगातार अगर देखें तो काफ़ी दिन से इसमें गिरावट है, हालांकि बाज़ार भी आज रेड के निशान पे है। तो दोस्तों आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हैं, मैं इस टिकर टेप का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप क्लिक कीजिए, आप अपनी रिसर्च कीजिए, विजिट कीजिए, किसी भी स्टॉक के बारे में, फंडामेंटल के बारे में या शेयर बाज़ार के बारे में जानने के लिए अच्छी साइट है। कोई सुझाव हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और